हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि सरोज। आप देख रहे हैं आरएसटी किचन चैनल। आरएसटी किचन चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक नई तो दोस्ती रेसिपी बताने आज वाली हूँ। जैसे कि दोस्तों, हमारे गांव में बिलायती बथुआ होता है, तो उसी का रेसिपी आज मैं बताऊंगी। तो आप हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए, अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर बिलायती बथुआ है। हमारे गांव में इसे बिलायती बथुआ बोलते हैं। अगर आपके यहाँ पर जो कुछ भी बोलते होंगे तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, इसके पत्ते लंबे लंबे हैं। तो इसी का आज मैं आप सबको भुजिया बनाना बताऊंगी। ये देखिए, इसे मैंने धो ली हूँ। अच्छा लग रहा है ना देखने में? इसके पत्ते देखिए, बहुत बढ़िया लग रहा है, और इसके ऊपर से फूल भी निकलता है दोस्तों। तो अब हम इसे काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से पकड़ लेंगे पहले। अब इसे एक थाली में रख देंगे। तो ये देखिए, मैं एक थाली में रख दी हूँ। तो अब इसे एकदम बारीक हमें काटना है। ये देखिए, एकदम बारीक बारीक हमें काट देना है। इसी तरीके से सारे बथुए को काट लें। तो ये देखिए, हमने सारा काट लिया है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने लहसुन, प्याज, मिर्ची और आलू को काट लिया है। तो चलिए, तो ये देखिए, हम गैस की तरफ आ चुके हैं। गैस को ऑन कर दिया और यहाँ पर मैं कढ़ाई रख दी हूँ। अब मैं इसके अंदर सरसों का तेल डाल देती हूँ। तो ये देखिए, मैं 1.5 चम्मच सरसों का तेल डाल दी हूँ। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे रखी हूँ। तो यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम जीरे को डाल देते हैं। अब मैं लहसुन को भी डाल देती हूँ। ये देखिए, लहसुन का कलर चेंज हो रहा है। अब हम प्याज को भी डाल देंगे और मिर्ची को भी डाल देंगे। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक इसी तरीके से भूनते रहेंगे। तो ये देखिए, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम आलू को भी डाल देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। मिक्स कर देते हैं अच्छे से। तो हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब बथुओं को भी डाल देते हैं। ये देखिए, अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा मिक्स हो चुका है। तो अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब अच्छे से चला देते हैं। तो हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे ढक कर पकाएंगे। हमारा गैस का एकदम फ्लेम एकदम लो है। तो हमें इसे 2 मिनट के लिए इसी तरीके से पकने देते हैं। तो दोस्तों, हमारा 2 से 3 मिनट हो चुका है। तो चलिए खोल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया से हमारा पक चुका है। ये देखिए, चला कर भी दिखा रही हूँ मैं। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये बहुत कम समय में बन जाता है। तो ये रेसिपी आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस करें। तो दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।